साथियों नमस्कार, मैं समीर सिंघानिया आपको इस ट्रेनिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। वेल, आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक है 2021 के अंदर एक ऐसा स्किल जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ध्यान से। एक ऐसी स्किल के बारे में मैं आज बात करूँगा, एक स्किल जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा वाकई में कमा के दे सकती है। वेल, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब लोग आते हैं या जब आप आते हैं, आप लोगों को क्या करते हैं, जाकर प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों को आप ज्वाइन कराने जाते हैं। लोगों को ज्वाइन कराने जब जाते हैं, आपकी बात सुनने के बाद लोग आपको बहुत सारे चीज़ें पूछने लग जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और ये सवाल को जवाब आप सही तरीके से दे नहीं पाते, जिसकी वजह से लोग ज्वाइन नहीं होते हैं। इसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 2021 के अंदर जो व्यक्ति के पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्किल होगा, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो मास्टरी हासिल किए होंगे, वही लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क में लोगों को सिखा भी सकते हैं और खुद भी रिक्रूट कर सकते हैं। वेल, नेटवर्क को भी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी स्किल, इफ आई से सबसे बड़ी स्किल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, चाहे आपके डाउनलाइन हो, चाहे आप हो, जो भी हो, जब फील्ड में जाते हैं, इंटरेक्ट होती है, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे ग्राउंड में हो, चाहे मेट्रोज में हो, कहीं भी हो, लोगों को जब आप बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कई सारे क्वेश्चंस आती हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये कंपनी भाग जाएगी, तो पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सारे सवाल आपके सामने आ खड़ी होती है, इसका जवाब आप दे नहीं पाते, जिसके चलते आपके क्लाइंट, आपके प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं होता है और वो मिस हो जाता है। डे टू डे लाइफ में इतने कितने प्रोस्पेक्ट को आप मिस कर चुके हैं। आप लाखों लोग प्रेजेंटेशन देते हैं डेली, इंडिया में करोड़ों प्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन लोग जुड़ते उतने संख्या में नहीं है। आपको सिखाया गया है कि लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि 10 लोग को प्लान देंगे तो एक आदमी ज्वाइन करेगा। क्या यह टूट नहीं सकती है? क्या यह लॉ ऑफ एवरेज को आप तोड़ नहीं सकते? 10 प्लान दोगे तो 5 सेल्स कंफर्म हो सकती है। क्या आपको यह बिलीव नहीं लगता? हो सकती है। मैं आपको वो सारे टेक्निक अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ऑब्जेक्शन दो तरीके का होता है, एक है इंटरनल ऑब्जेक्शन, दूसरा है एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन। इंटरनल ऑब्जेक्शन एंड एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन, ये क्या क्या है? इंटरनल ऑब्जेक्शन, पहले इसके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे सवाल है जो आपके माइंड में चलता है, यानी कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, मुझसे शायद नहीं होगा, आपकी खुद की आत्म छवि, मुझे इंग्लिश आता नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, ये आत्म छवि है, ये आपकी ऑब्जेक्शन है जो आपको आगे शेर की तरह बढ़ने नहीं दे रहा। ये ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व आपको करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, क्या आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आपकी कंपनी का पे आउट प्लान इंडिया में नंबर 1 है, ये आपको लगता है? क्या आपकी कंपनी का इनकम प्लान, पे आउट प्लान, जिसको भी बताए वो ज्वाइन कर लेगा, ऐसा आपको लगता है? क्या आपकी कंपनी का प्रोफाइल आपको लगता है कि हमारी कंपनी बहुत दमदार है? क्या लगता है कि मेरा अपलाइन बहुत दमदार है? क्या आपको लगता है मेरा सिस्टम बहुत दमदार है? क्या आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्ट जो भी कंज्यूम करेगा वो रिजल्ट आराम से देख पाएगा? अगर ये सब नहीं लग रहा है तो दिस इज इंटरनल ऑब्जेक्शंस जो आपके माइंड में चल रहा है, आपको इसको क्लियर करनी है। जब तक इंटरनल ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होगी, तब तक बाहर के ऑब्जेक्शन को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। वेल, कुछ क्वेश्चंस है, इसको पहले आपको इन जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो सारे क्वेश्चन को पहले आपको रिजॉल्व करनी है। पहले आपके माइंड के क्वेश्चन को रिजॉल्व आप कर दीजिए, करने के बाद आपकी सेल्फ छवि के ऊपर काम करिए। सेल्फ छवि के ऊपर, जैसे आपके माइंड में चलता होगा कि आई एम नॉट दैट मच एजुकेटेड, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतना कम्युनिकेशन मेरा अच्छा नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी ड्रेस कोडिंग खराब है, मैं गरीब घर से हूँ, ये सारी जो आत्म छवि है, इसको बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप बदलेंगे नहीं, एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। बिजनेसमैन ऑलवेज एक बिग सेल्फ इमेज के साथ काम करता है, एक बड़ी आत्म छवि के साथ काम करता है। बिजनेस यानी कि सोल्यूशन। आप कौन सी सोल्यूशन लेके मार्केट में जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक ही चीज़ से पड़ेगा कि आप मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस इंसान को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसकी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने वाले हैं, इसको ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। सो वेल, आप तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक है डिजीज़
यानी कि बीमारियां, हेल्थ, हेल्थ इशूज़, और दूसरा है मनी इशूज़, यानी कि पैसे की रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम। ये दो इशूज़ को नेटो मार्केटिंग सॉल्व करती है। और आप दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्यों? क्योंकि आप हेल्थ के ऊपर और वेल्थ, ये दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं, बट फिर भी आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। क्यों? सेल्फ छवि, आत्म छवि के वजह से, आत्म छवि सुधरी है। सो फर्स्ट इज इंटरनल ऑब्जेक्शन। ये सारे चीजें आप पहले क्लियर करिए। ये सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद बाकी रह गया क्या? एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन, यानी कि आपके प्रोस्पेक्ट आपको जो सवाल पूछता है वो है एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन। एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व की जा सकती है। एक ना को हाँ में बदलने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेगा। सारे सवाल का जवाब आपको सीखनी पड़ेगी, स्क्रिप्टेड है, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको आप सिर्फ रटेंगे और प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे, प्रोस्पेक्ट का ना हाँ में बदल जाएगी। जी हाँ, ऐसी स्क्रिप्ट उपलब्ध है, आपको मिल सकती है अगर आप चाहें तो। कहाँ मिलेगी? मैं लास्ट वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। बट आपको एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखना है, इसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। यू नो व्हाट, आज तक नेटो मार्केटिंग में कोई भी ट्रेनर, यूट्यूब में भी वीडियो उठा कर देख लीजिए, कोई भी ट्रेनर इसके बारे में बताए नहीं है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सबसे बड़ी टेक्निक जो मैं आज बताने वाला हूँ, आपके नेटवर्क में एक ऐसी सुनामी आ जाएगा सेल्स की, आपके नेटवर्क में बारिश होगी ज्वाइनिंग की। कैसे? ये टेक्निक को अप्लाई करेंगे, आप खुद भी करिए, अपने नेटवर्क में भी कराइए। दैट इज कॉल्ड रोल प्ले। रोल प्ले ट्रेडिशनल सेल्समैन लोग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ये रिकमेंड आज तक नहीं सुना हूँ, आज तक कोई वीडियोस में भी नहीं सुना हूँ। फिजिकली मैं बहुत सारी ट्रेनिंग लिया हूँ, लेकिन वहाँ से भी ये रोल प्ले के बारे में मुझे कोई नहीं बताया। आज मैं आपको बता रहा हूँ, रोल प्ले करिए, यानी कि सवाल जवाब अपने डाउनलाइन के साथ करके प्रैक्टिस करिए। 10 बार एक सवाल पूछे, मेरे पास पैसा नहीं है, इस सवाल का जवाब आप खुद 10 बार दीजिए। आपके पास अगर कोई पार्टनर नहीं है तो आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और एक सवाल का जवाब दीजिए। तब तक वो सवाल का जवाब दीजिए जब तक उस सवाल का जवाब आपके होठ में ना रिले, आपके माइंड में प्रिंट नहीं हो जाए, तब तक आप वो सवाल का जवाब मिरर के सामने दीजिए। नहीं तो आपके अपलाइन डाउनलाइन किसी के साथ भी बैठिए और सवाल जवाब करिए। जब आप सवाल जवाब करेंगे क्या होगा कि वो आंसर आपके होठ में रहेंगी। अक्सर होता यह है, प्रोस्पेक्ट जब सवाल पूछ देता है वहीं पर वो सवाल का जवाब हम दे नहीं पाते, हमारे माइंड में तुरंत वो डायलॉग्स, तुरंत वो शब्द, तुरंत वो सेंटेंसेस आती नहीं हैं, वो सजा के हम तुरंत नहीं बोल पाते। तुरंत इसीलिए बोल नहीं पाते क्योंकि हम उसमें निपुणता हासिल नहीं किए हैं। अगर हम निपुणता हासिल किए होते तो तुरंत भी वही सेम डायलॉग हमारे मुँह में आता। क्यों? क्योंकि हम बार बार बोल के प्रैक्टिस कर चुके हैं। वेल, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार बोल के प्रैक्टिस करिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। अगर कोई नहीं मिल रहा, एक टॉकिंग पार्टनर ढूंढिए, प्रैक्टिस पार्टनर जिसको कहते हैं, प्रैक्टिस पार्टनर किसी को भी ढूंढिए, आपके डाउनलाइन हो सकते हैं, आपके ऑफलाइन हो सकते हैं, प्रैक्टिस पार्टनर ढूंढिए और उनके साथ प्रैक्टिस करिए। एक सवाल का जवाब एक दिन के अंदर कम से कम 50 बार आप लोग प्रैक्टिस करिए। जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वो सवाल अगले दिन अगर कोई पूछ लेता है तो आप तो उसका एकदम जवाब बहुत अच्छी तरह से दे देंगे। सो प्रैक्टिस द ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करिए, रोल प्ले करिए, उसको आपके अपलाइन को अपना प्रोस्पेक्ट बनने दीजिए और उनको बोलिए, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक आप प्रैक्टिस करिए, आपका अपलाइन को सेटिस्फाई करिए। अपने डाउनलाइन के साथ भी एग्जैक्टली सेम प्रैक्टिस करिए, प्रोस्पेक्ट बनाइए किसी को और बोलिए कि मेरी बातों से सेटिस्फेक्शन आ रही है कि नहीं, मेरी बातों से आपके माइंड साइकोलॉजिकली या हिप्नोटाइज हो रही है कि नहीं, मेरी बातों से आपके माइंड को इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, चेक करिए। जब आप ऐसा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू कैन नेवर हैंडल एनी ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ सेल्स। सेल्स की सबसे बड़ी सीक्रेट रोल प्ले। जिस नेटवर्क में जितना ज्यादा रोल प्ले होगा उसका नेटवर्क उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। नेटवर्क 1000 लोग का है लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 5 लोग कर पा रहे हैं, यानी कि 5 लोग सेल्स ला पा रहे हैं या 10 लोग सेल्स ला रहे हैं, बाकी सारे लोग सो रहे हैं। बाकी सर लोग बस यही बोलते हैं, सर प्लान दे रहे हैं, सर फॉलोअप कर रहे हैं, नहीं हो रहा है सर, ये हो रहा है सर, वो हो रहा है।
क्यों देख रहे हैं, रोल प्ले करना चालू कर दीजिए। देखिए अनप्रोडक्टिव लोग भी प्रोडक्टिव बन जाएंगे, जो सेल्स नहीं ला पाते वो सारे लोग सेल्स लाना चालू कर देंगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये हमने अपने नेटवर्क में कर रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस पे काम करके अपने नेटवर्क में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम हर महीने वो लोग देते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आप रोल प्ले करेंगे सेल्स की, रोल प्ले करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, रोल प्ले करेंगे क्लोजिंग क्वेश्चंस की। अगर वो सारे स्क्रिप्ट आप पढ़ना चाहते हैं, सारे नॉलेजेस, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आप अगर स्क्रिप्ट के अनुसार सारी चीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूं, उस लिंक को क्लिक करिए और लिंक को क्लिक करके आप जाइए और उसमें कुछ पीडीएफ्स होगी, उसको अच्छी तरह से रीड करिए। रीड करने के बाद उस प्रोसीजर में जाइए, आपको सारे स्क्रिप्ट और वीडियोस फॉर्मेट में सारे ट्रेनिंग एजुकेशन आपको मिल जाएगी। वेल 26 तारीख को आपके लिए गुड न्यूज़ है, एनएमपी इंडिया लॉन्चिंग कर रही है ई लर्निंग एजुकेशन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में मैनुअल एजुकेशन आज से पहले दिया जाता था, जिसके चलते फर्स्ट एजुकेशन सप्लाई नहीं हो पाती थी। आज पूरी इंटरनेट की जमाना है, पूरी वीडियो का जमाना है, सो एनएमपी इंडिया एक क्रिएट की है जहां से एजुकेशन की सप्लाई बहुत फास्ट होगी, और जितना फास्ट एजुकेशन की सप्लाई होगी उतना फास्ट लोग एजुकेटेड होंगे, और जितना तेजी से लोग एजुकेटेड होंगे उतना तेजी से सेल्स आएंगी, और जितना तेजी से सेल्स आएंगी उतना तेजी से बड़ा बड़ा कमीशंस आपके बनने लगेंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एनएमपी इंडिया ई लर्निंग एजुकेशन देन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड गो एंड रीड द पीडीएफ्स, उसमें सारे प्रोसीजर दिया गया है, फॉलो करिए एंड मिलिए मुझसे मेरी ट्रेनिंग एजुकेशन कोर्स में, जहां पे एवरीथिंग यू विल बी टॉट इन डिटेल, सारी चीजें डिटेल में आप सीखने वाले हैं। वेल रोल प्ले करिए और अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल को स्थापित करिए, और मार्केट में आप अच्छी ऑब्जेक्शन हैंडल करिए और अपनी क्लोजिंग की सेल्स रेशियो को बढ़ाइए और धमाका करिए, चेक बनाइए। 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा बना के देगी अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी हासिल करेंगे। वेल आज इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और ये वीडियो अगर वर्थवाइल लगा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले, अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक आके पहुंचे। मुझे आप कमेंट और लाइक करके अपना प्यार दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।